हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गाइस, वो है वेज कबाब रोल, जो कि हमारे लखनऊ की बहुत ही फेमस है ये, और इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। इस रेसिपी की वीडियो बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हमारे व्हाट्सएप पे, और किसी ने हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस पे बोला था कि हम वेज कबाब रोल की रेसिपी पोस्ट करें, वीडियो बनाकर डालें। तो गाइस, हम खासकर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सारी सामग्री हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे, और हमने गैस के ऊपर रख दिया है कुकर, जो कि गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम है। और उसके बाद में 2 बड़े चम्मच के करीब हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। आप जब भी कबाब बनाएं तो रिफाइंड ऑयल डालिएगा। अगर आपने सरसों ऑयल डाला तो टेस्ट में थोड़ा सा इधर उधर 19-20 का फ़र्क हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बिल्कुल जैसे हम लोग मार्केट से लाते हैं वेज कबाब रोल और रेस्टोरेंट से लाते हैं, तो सेम वैसे ही हम आपको रेसिपी पहुँचाएँगे। और अगर आप इसी तरीके से सेम बनाएंगे तो बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा। तो फटाफट से हमने ऑयल में डाल दिया है खड़े मसाले और तेज़पत्ता। खड़े मसाले में दालचीनी थोड़ी सी थी, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी, जीरा था और लौंग, काली मिर्च। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ, और लहसुन और आधा मिर्च जो कि बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा बिल्कुल अदरक। तो इसे ब्राउन होने तक चलाएंगे, पकाएंगे थोड़ी देर तक, ब्राउन होने तक। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, मसाले भी हमारे अच्छे से पक जाएंगे, फटाफट से हम सोयाबीन को कट कर लेते हैं। ये हमने भिगो दिया था 10-20 मिनट पहले, तो बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है सोयाबीन, तो इसको हम टुकड़ों में बारीक कट कर लेंगे। अब ये मसाले हमारे भून के तैयार हो गए हैं, अब हम इसमें दाल डाल देंगे। हमने जो ये दाल, चने की दाल ली है और मसूर की दाल ली है, इसका रेशियो ये है कि अगर आपने 1 कटोरी चने की दाल ली है तो आपको उसी कटोरी से नाप कर मसूर की दाल लेनी होगी, आधी कटोरी। उसके बाद में हमने सोयाबीन जो ली है वो थोड़ी सी ही ली है, काफ़ी कम मात्रा में। उसके बाद में हम यहाँ पे सूखे मसाले डाल रहे हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और थोड़ी सी बिल्कुल हींग, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कबाब में। तो अब हम ये सारा कुछ डाल दिए हैं, अब हम डालेंगे लास्ट में नमक, स्वाद अनुसार के नमक, स्वाद अनुसार ही डालना है मीन्स, और ठीक से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। 1-2 मिनट तक चलाते हुए भुनना है हाई फ्लेम पे ही। उसके बाद में हम इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी का बहुत ध्यान रखना होगा गाइस, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा हुआ तो कबाब गड़बड़ हो जाएंगे, यानी कि बढ़िया बनेंगे नहीं, टिक्कियाँ नहीं बढ़िया बनेंगी। तो पानी आपको उतना ही डालना है जितना दाल हल्की हल्की भीग जाए, और इसे ढक्कन लगा देंगे, और उसके बाद में हम 2 सीटी आने तक पकाएंगे। 2 सीटी आने के बाद में हमने गैस को बंद कर देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तब तक हम फटाफट से चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी के लिए हमने थोड़ा सा 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, लहसुन की कलियां ली हैं, 1 छोटा सा टमाटर लिया है, और पुदीना, धनिया और साबुत धनिया थोड़ी सी है, और जीरा है थोड़ा सा, और इन सारी, और काला नमक है, और सिंपल सादा नमक है, और इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे। हाँ, थोड़ा सा हमने गरम मसाला भी लिया था, और इन सब चीज़ों को डाल देंगे मिक्सर जार में, और थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम बारीक पीस लेंगे। पानी अगर आपको जितनी चटनी पतली चाहिए हो उतना आप पानी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चटनी को फटाफट से रेडी कर लिया, चटनी तैयार है, हम इसे साइड में रख देंगे।
और हम गैस को ऑफ कर देंगे। दो सीटी आ गई थी कुकर में, तो ये दाल बहुत अच्छे से पक गई है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक फटाफट से हम रोल के लिए आटा तैयार करेंगे। तो हमने ये 200 ग्राम मैदा लिया है, उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा बिल्कुल नमक डालेंगे, क्योंकि हमने जो कबाब के लिए टिक्की तैयार करना है तो उसमें भी हमने नमक डाला हुआ है। तो उसके बाद में हम 2 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइस, जब भी आप डो तैयार करें तो 2 चम्मच के करीब उसमें आप थोड़ा सा घी, वो क्या बोलते हैं, दही ज़रूर ऐड करिएगा। दही ऐड करने से ये होगा, अब इसमें हमने रिफाइंड ऑयल लगा दिया है और इसे हम ढककर रख देंगे। दही अगर आप ऐड करेंगे, दही डालकर इसमें डो तैयार करेंगे, तो ये बहुत ही सॉफ्ट आटा तैयार हो जाएगा और जो हम रोल बनाएंगे यानी पराठे बनाएंगे तो बहुत ही मुलायम बन के तैयार होंगे। इसलिए हमने दही ऐड किया, और फ़ायदेमंद भी है दही, क्योंकि मैदा में हम डाले हैं तो नुकसान भी नहीं करेगा। तो अब चलिए ये फटाफट से देख लेते हैं, ये दाल अच्छे से पक गई है, यानी कि कबाब की टिक्कियां बनाने के लिए ये दाल तैयार है। थोड़ा सा गर्म, इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। हम दबा कर देख लेंगे, ये बहुत अच्छे से पक गई है। कुछ इसी तरीके से आपको ड्राई दाल को पकाना है, उसी हिसाब से पानी डालना है। तो एक बाउल में हमने निकाल लिया था दाल को, ठंडी हो गई है। अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। बहुत ही बारीक नहीं पीसना है, इसमें थोड़ा थोड़ा बच जाना चाहिए, दाल का जो फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, फटाफट से हमने मिक्सी में पीस लिया है। और उसके बाद में ये जो साबुत मसाले हैं, खड़ा मसाला जो था, इसे हम अलग कर देंगे दाल से। जो तेज पत्ता था और कुछ साबुत खड़े मसाले थे, काली मिर्च को हम पड़ा ही रहने देंगे दाल के अंदर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, उसको हम नहीं हटाएंगे। इसमें थोड़ा सा प्याज और पुदीना, बारीक कटा हुआ धनिया हरा, और थोड़ा आधा बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम फटाफट से टिक्की तैयार करेंगे, यानी कि कबाब तैयार करेंगे, वेज कबाब। तो एक फ्राई पैन हमने लिया है, उसमें हमने ऑयल लगा दिया है। अब टिक्कियां हम बना लेते हैं। इस तरीके से हथेली पर रखना है और टिक्की इस तरीके से बना लेना है। और ये हमने एक कटोरी में कॉर्न फ्लोर लिया है, जो कि हमने घोल तैयार कर लिया है। आप चाहें तो आरारोट भी ले सकते हैं, मार्केट में तो आरारोट ही लोग लेते हैं। कॉर्न फ्लोर थोड़ा अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। तो हमने एक एक करके सारी टिक्कियों को इस तरीके से पैन में डाल देंगे। ऑयल डालते हुए इसे ठीक से भुनना है दोनों साइड। तो थोड़ा थोड़ा हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएं। और इन्हें हम पलट देंगे सारी टिक्कियों को, और दूसरे साइड भी सेंक लेंगे। तब तक हम रोल बनाएंगे, यानी कि पराठा। तो हमने मैदा जो आटा गूंथा था उसका हमने पराठा तैयार कर लिया है, और ये हमने तवा रख दिया है, उसके ऊपर इस तरीके से पराठा को सेंकना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके यहाँ पुराना लोहे का पतला सा तवा है तो उस पे कबाब रोल बनाइएगा, कबाब पराठे, तो बहुत ही अच्छे से सिक कर तैयार होते हैं। हाई फ्लेम पे पकाइएगा, ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक कर तैयार है पराठा, और बहुत ही सॉफ्ट बना है। सॉफ्ट क्यों बना है, क्योंकि हमने इस आटे को जो गूंथा था उसमें हमने दही डाल रखा था, इसलिए आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंथ कर तैयार हुआ था। तो ये रोल फटाफट से बना लेते हैं। पराठे के ऊपर हमने पुदीने की चटनी जो हमने बनाई थी उसे अच्छे से लगा देंगे पूरे पराठे में। उसके बाद में जो हमने टिक्की बनाकर रखी थी, ये टिक्की को हम अच्छे से लगा देंगे। फिर उसके बाद में प्याज के छल्ले हमने छल्लों की तरह काटना है, यानी कि गोल गोल साइड बारीक कट करना है, उस प्याज को रख देंगे। उसके बाद में पुदीने की चटनी को इस तरीके से लगा देंगे, और ये नींबू का रस जो कि हमने निकाल कर रखा था, इसे हल्का हल्का सा ऊपर से डाल देंगे, और फिर इसे फटाफट से रोल बना लेंगे। तो मेरे सब्सक्राइबर्स का एक कमेंट्स आया था कि वेज कबाब रोल की रेसिपी जो हम वीडियो बनाएं वो फटाफट वाली रेसिपी हो, तो हमने सारा कुछ इसमें फटाफट ही किया है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि गाइस ये बहुत छोटा सा वीडियो बने, पर रेसिपी ही ऐसी है कि हम इसे कितना एडिट कर सकते हैं, कितना कट कर सकते हैं।
तो सारे रोल बनकर तैयार हैं, वेज कबाब रोल तैयार हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।